नमस्कार भाइयों, चीता रागिनी में आप सबका स्वागत है। अब आपके सामने ब्रह्मानंद मलिक और पाले राम दहिया की आवाज में रागिनी बेटी कह के बोलिया कोना पेश है। घर से निकल के वो रोती रोती कौन वो कल्याणी, एक सदाव्रत लगा हुआ था एक सेठ का, और वो भूखा ने भोजन दिया करे था। उस सदाव्रत में जाकर लाइन में लग जाती है, भोजन लेने के लिए कई दिन की भूखी होगी थी। घूमते घूमते जब लाइन में उसका नंबर आया आहिस्ता आहिस्ता, तो लाला अपने हाथ से भोजन दिया करे था भिखारियों को। और जब वो करछा भरकर भोजन देने लगा, तो कल्याणी ने एक बार तो झोली उसकी तरफ करी, लेकिन झोली छूट गई। भाई पीछे किसके कहने लगा, बेटी लेना भी चाहती है और लेती भी नहीं। नुकलाई लाला जी, मैं इसे घर में जन्म ले रही हूँ कि मैंने आज तक ये कहानी देखी नहीं थी। रोन लागी, और कौन जब वो लाला ने बेटी कहा तो बड़ी खुश हुई। नुकलागी, लाला जी मैंने 10 दिन हो गए घर से निकली ना, मेरे बात के सिवा आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा मेरे से। कौन वो कल्याणी रोती है और क्या करने लगी। ओ लाला जी तुमने लोग कर लाले, मैं बहुत दूर तो आई तू बेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करवा करे गवर्नमेंट, और 1970 में ये कंपटीशन लागू हुआ था। 73 में कंपटीशन लड़ा, 74 में लड़ा, 75 में लड़ा, 76 में लड़ा, फिर स्टेट लेवल पर आज तक कंपटीशन नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होके और ऊपर तक निकल के ऑर्डर आ गए, तो यहाँ में सोनीपत आ गया। मैंने तो यहाँ से कंपटीशन नहीं लड़ना था, क्यों हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं। भाई पाले राम भी थे वहाँ, और राजकिशन गवान पर तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट संपत्ति के गांव वाले थे ना सारे, तो पूरे कच्चे थे। तो डीसी सोनीपत से आ रहा था, हमारा गाना सुना कला भाई, मैं मान के तौर पर एक राजनी पर मांगी कर थोड़े थे बटी बात बन गई। हमारे से उस डीसी ने क्या इनाम दिया, कला भाई लक्ष्मी ने लेकर लोग दुनिया में डंडा लिया, डंडा लिया हाथ देते बेइज्जती करे हैं के हरफा का नहीं मेरा तू के बकरे हर के तेरे आज देशुद गांव है, आज देशुद नाम लक्ष्मी का जो करा रहे थे नाम लक्ष्मी लाओ ने भाई रे। ओ बेईमाने आ बेईमाने, बेटी खतर दफ्तर फ्री से बड़े अच्छे अच्छे विचार सुने, और मंगे राम को बात करेगा लोग आगर जाएगी। मैं अपनी बड़ाई नहीं किया करता, उनकी इज्जत थोड़ी मैं करनी चाहिए इंसान में,
आपने पता है कि जिसे मैं बाण से मारे और जिसे रागनी कर रही। दूसरी बात, मैं उस आदमी को आदमी नहीं मानता, चाहे वो एक नाश्ता है और चाहे वो कितने भी एंडी हैं इस संसार में, जो पंडित लक्ष्मीचंद को नहीं मानता मैं उसको कुछ नहीं मानता। आई डोंट भाइयों, देखो एक चीज जब संसार में तैयार हो जाएगी, एक बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा तो सदा नहीं रहेगा, उसने एक दिन जाना जरूरी है। आपका टाइम मिलेगा जो बोली उनको मेरा टाइम बोल रहा हूँ भाई। मैं टाइम दूंगा पहले क्या बात कर रहे भाई, क्या लड़ना रहे वो बढ़ना रहे भाई। सभी सज्जनों से प्रार्थना के ये बाहर के भाई अपने सुने सुने बोल रहे, वो बच्चा वो पंडित जी की बातों को खूब जानता है, चाहे उसको बेसिक गाना मत आओ। और शाणा मानस का आग्रह जिसने राम के नाले ने नहीं आओ तो ब्राह्मण की बात सुन लो उसमें सबके मार जाएगा। तो हम तो कर माने छोटन बोलो की बात तन बत्ती। और फिर जिस मानस का भाई मौका आओ जब अपना खूब बोलो, मैं तो नहीं बढ़ता, जब टाइम आओ जब अगला भी खूब अपना भाई, और हम भी दर दर मारेंगे इतने हमारी पास आओगी डीप डीप के घाट कर लेगी डीप के दिन निकले तो सारे काम होंगे। तो हम भी करता हूँ यारे काम आपके जिम्मे सर, मनोरंजन देखना है सुनना है। मैं आप भाइयों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सज्जन न बोलें, आप अपना भरपूर आनंद ले मनोरंजन का। एक ऐसा होया सज्जन बंद करियो और राशन कार्ड बनने लग गए थे, वो वाल्मीकि का थोड़ा बना लिया। ये कुछ भी थोड़ा देखा बोलिया अके भाई देते हैं कि चली जा, हम तेरी शान नहीं देखना चाहते, इतने हमारे कुल का बट्टा लगा दिया। किसी घर फूल से आशा नहीं धोई, उसने कहा माँ आपका बेटा नहीं कहा था कि ये बड़ी शाना है कि नहीं, चली जा। उन्हें सोचा कि औरत से दो ठिकाने होते हैं, तिहरिया सासरा, चल तू अपने माँ बाप के पास चल, शायद तेरे पति आऊं इतनी जल्दी व्यतीत हो गया। लेकिन उसके सास ससुर ने अपने हलकारे को भेज दिया और उसमें चिट्ठी लग गई कि अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास आओ तो उसको अपने पास मत रखना, उसने किसी घर खून से नाता करके वहां आना दिया। ना अपने घर गई तो उसकी माँ ने धक्के देकर बाहर कर दिया, चली जा तो हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। एक पहली थी बसंत माला, वक्र नदी क्या बात है बहना, नौकर नदी क्या बताऊंगी मेरे तो कर्म कर्मों का खेल है बहन। न बोलिए मैं भी तेरी जेल चालूंगी, न बोली ना जी जी बगड़ा तो अपनी आई मैं तू बोली
बात के दो मतलब होते हैं। उन्होंने जब डीसी ने मेरे को ये इनाम दिया, ये इनाम छोटा नहीं दिया था, ये भाई लक्ष्मी के पास से क्यों लाग रहे हो, कोई और नया लक्ष्मी तो पैदा करो कम से कम। वो तो हो गया, उनके तो नाम हो गए, लेकिन और भी कोई इनको पैदा करो। उनका कहने का तात्पर्य वो लक्ष्मी को बेचराते नहीं थे, भाई लक्ष्मी को कवि नहीं था, लक्ष्मी के वो लोग गुण गाते हैं, लक्ष्मी को सब कुछ मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कोई नई कविता लाओ देश में, उसके पीछे मत लगो, वो तो बहुत है। और अगर वो तो सोने की चीज है, उन्होंने जिस वक्त उठाओगे तो वो सोने की मिलेंगे, कुछ दिन उनको दबा कर रखो और कोई नई चीज पेश करो। हाँ भाई, हम भूखे मरते रहेंगे न मांग का खाना आवे, और भला के सावे, और भला के सावे, सब जोरी आज सामने बात आई, एक डिगल का एक को 60-70 साल का एक बुजुर्ग बहम हो गया पंडित जी का, उन्हें तो घने मानस बावड़े करे थे ना, और छोड़ भी नहीं बहु आवे उस दौर जा करके कहे भगवान की बेटी के एक लक्ष्मी चंद ना गणा जाता करे थे, तो उसने तो बहम करे थे ना मानसा और करे तो पैदा हो जब पास लेकर ने सामना कर दिया। Yeah.
ਪਰ ਕੇ